स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गणित मैथमेटिक्स के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसके बारे में, किस तरह से आपको हल करना है। आप उसका अगर आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको यहाँ 1 अंक और 2 अंक के सभी प्रश्न मिलेंगे। इसका मतलब हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 12 तक यहाँ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो लेक्चर, अगर आपको कोई डाउट होता है, आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सेट बी, गणित का जो सेट बी आपको क्वेश्चन पेपर मिला है आपके पास होगा, तो उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहाँ पर बनाए हैं, है ना। अभी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, धीरे धीरे बना चलिए, इधर भी वीडियो बनते चलेगा, ठीक है। अगर डाउट होता है तब आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ आपको अगर आंसर मिल गया तो आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर आपने बना रखा है तो चेकआउट भी कर सकते हैं, पूरे वेरीफाइड आंसर है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 1 अंक का जो प्रश्न है, आपको आंसर जो है कैसे लिखना हो तो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उत्तर आपको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा कि आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिले, ठीक है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न क्रमांक पहले का जो उत्तर है, आंसर नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, 2 अवयव दिए हैं ए तथा बी। ए अवयव ए और अवयव बी दिया है हमको, ए डॉट बी है ना निकालना है। तो ए डॉट बी सीधा सिंपल है, मल्टीप्लाई बस करना है हमको। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने ए डॉट बी, ठीक है, ये ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, देखो ये 2 एकम 2 और 4 दुनिया 8, 2+8 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आपको दिखा रहा होगा 3, यहाँ 2 3 6 और 4 5 20, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 3 एकम 3 और 4 2 दुनी 4, तो 3 4 7 हो गया, और फिर 3 3 9 और 5 दुनी 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हो, ये फर्स्ट का आंसर है, ये आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर कर करके जो है आप बना सकते हो, बिल्कुल ये फर्स्ट का आंसर है छोटा सा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसको आपको बनाने के लिए जो है इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। ये जो एक तरीका है, एक जो है फॉर्मूला जिसका उपयोग किया जाता है ना, तो इस पैटर्न में ये दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न में कैसे दिखाई दे रहा है, अगर हम एफ एक्स के जगह 1/x ले लें तो एफ डैश एक्स, इसका जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 1 -1/x² मिलेगा। इसलिए इस पैटर्न में इसको लिखना है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन हमारे सामने दिख रहा है, ठीक है। तो e^x फिर एफ एक्स प्लस सी, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको मिल गया इसका आंसर, ठीक, ये करेक्ट आंसर यहाँ तक है लास्ट, तो ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए î + ĵ + 2k̂, तो सदिश ए के अनुदिश इसका मात्रक सदिश हमको निकालना है। क्वेश्चन बोला है इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो मात्रक सदिश क्या होता है, कैप निकालना होता है। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने और वैल्यू भी पुट कर दिया। तो एक लाइन जो है आपको इधर उधर नहीं करना है, पूरा आप सेम टू सेम लिख सकते हो इस पैटर्न को। अगर आपने लिख लिया तो आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो जरूर, ठीक है। तो ये इसका अनुदिश मात्रक सदिश निकला, बहुत आसान है। आप मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालते हो तो ये भी पता होना चाहिए, अंडर रूट में डाल देते हैं, अंडर रूट करके, ठीक है, सभी वैल्यू को डाल दो, 1² + 1² + 2², ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अपने यूट्यूब चैनल में जो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो उसका क्वालिटी जरूर इंक्रीज़ कर लीजिएगा, 144 जो है उसे 240 कर लीजिए या 360 कर लीजिए, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है वहाँ से, तब आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर जो है लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, वो देखते हैं। तो अवकल समीकरण हमको दिया हुआ है, यहाँ हमको कोटि और घात निकालने बोला है। तो ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के क्वेश्चन में जब हमको क्या दे दिया होता है, इस तरह से कोई पावर जो है वो क्या दे दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, भिन्न के फॉर्म में दे दिया, तो हम डायरेक्ट कोटि और घात नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, अगर हम इसका घन कर देते हैं, दोनों पक्षों का अगर हम घन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 2/3 लिखा है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ बटे में क्या है, 3 है ना, तो 1/3 तो है ना, इसलिए इसका घन कर देते हैं, घात 3 कर देते हैं, दोनों पक्षों का घात 3 कर देंगे, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा,
देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये दिन कट जाएगा और यहाँ पे दो बस बच जाएगा। ठीक, अब क्या जानते हैं हम लोग, जिसका कोटी उसी का घात, जिसका कोटी उसी का घात। तो ये कोटी देखो इसमें और इसमें कौन है हायर कोटी, हायर कोटी कौन है जो बड़ा हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये हाईएस्ट कोटी है, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कोटी दो है इसीलिए इसका घात देखना पड़ेगा, इसी का कोटी तो इसी का घात देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसी का कोटी तो इसी का घात, घात कितना है दो है, इसलिए कोटी तथा घात इसका कितना आएगा, दो और दो आएगा। ठीक, दो अंक प्रति प्रश्न के सवाल में आते हैं। दो अंक प्रति प्रश्न के सवाल किस तरह से हल करने हैं, तो ये हमारे पास अवयव का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। दो अवयव सॉरी सारणी का क्वेश्चन है, अवयव कह दिया मैंने, है ना, सारणी का क्वेश्चन है। दो सारणी जब बराबर है तो क्या करना होता है, तो दो सारणी बराबर है तो दोनों पक्षों को हल करो। सारणी को कैसे हल करना होता है, तो ये मुख्य विकर्ण को पहले गुणा करो फिर शेष विकर्ण को गुणा करो, जैसे हमने किया। तो मुख्य विकर्ण माइनस शेष विकर्ण होता है। इसी तरह से इधर राइट साइड के भी सारणी को भी आप सॉल्व कर सकते हो, मुख्य विकर्ण माइनस शेष विकर्ण, और जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद जो है आंसर आ रहा है वो लिख दो फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 लिख दिया, और इसे हम लोग प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा जब आंसर लिखेंगे यहाँ प्लस माइनस 2√2 जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर ये संतत है। तो x बराबर 0 पर संतत है किस तरह से लिख सकते हैं, पहले एफ 0 का मान निकाल लेते हैं, फिर बाएं पक्ष की सीमा जो है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL जिसे हम कहते हैं, बाएं पक्ष की सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं। तो x स्टैंड्स टू 0 निगेटिव, निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो 0 यहाँ पे रख देंगे तो आंसर -3 आएगा। इसी प्रकार दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, तो दाएं पक्ष की सीमा जो है RHL राइट हैंड लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहां पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो -3 आने वाला है। इस प्रकार x बराबर 0 पर आप देख सकते हैं, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, जो f 0 के बराबर है। इस तरह x बराबर 0 पर ये फलन संतत है कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा। इसका PDF अभी मैं लास्ट में दूंगा फाइनल, खैर लेकिन अभी आप आंसर बनाना स्टार्ट कर दिए तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बनने के बाद मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसका तो आप जो है क्वेश्चन का वो चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं बता दूं कि किसी भी तरह से हम लोग यहाँ कोई प्रॉफिटेबल वर्क नहीं कर रहे हैं, हम जो है बस आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो है आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 inverse 3 - 10 inverse 2 = 10 inverse 1/7, ये हमको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 10 inverse 3 - 10 inverse 2, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 10 inverse 3 - 2, ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे जो है 3 - 2 है, अपॉन 1 + 3 × 2 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 inverse 1/7, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, इसलिए ये हो गया सिद्ध, प्रूव्ड, ठीक है। तो आंसर नंबर 7 भी समझ आ गया। आंसर नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है, सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन करना है, इसको हम आई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। माना आई बराबर ये होता है, और लॉग एक्स बराबर टी रख देने पर, लॉग एक्स बराबर टी, तो हम लोग जानते हैं समाकलन जब भी किया जाता है कि लॉग एक्स बराबर टी अगर हम लोगों ने रखा तो उसका अवकलन करना होता है। अवकलन करने पर हमें इस तरह से प्राप्त होगा, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी टी। इस प्रकार हम जो यहाँ पे आई जो माने थे, यहाँ देखिएगा ये, इस पर हम क्या रख देंगे, ये log x तो t मान लिया, और dx को भी हटा दिया, dx को हटा के क्या लिख दिए, ये x इंटू डी टी लिख दिए पूरा, ठीक है। इस प्रकार i बराबर sec square t इंटू डी टी आ गया। तो sec square का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t होता है, और t फाइनली t नाम का कोई चीज़ तो पहले भी नहीं था, इसलिए अभी t जो हम लोगों ने माना था वो रख दिया 10 log x plus c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अवकल समीकरण दिया हुआ है dy by dx is equal to y into sin x, तो dy upon dx, देखो पहले चर को अलग अलग कर लिया जाता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जब आप हल करते हो ना तो चर को अलग कर लो, तो ये y इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो है dx उधर चले गया, इस प्रकार ये हो गया, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप इसमें समझ आया कैसे किए हैं ना, फिर समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, dy upon y is equal to
ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो डी अपॉन वाई, डी वाई अपॉन वाई क्या होता है, लॉग वाई होता है, लॉग वाई, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, यहाँ को हमको दिक कोसाइन ज्ञात करने बोला है, दिक कोसाइन ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ जो एंगल दिए है ना, एंगल अल्फा बीटा और लेमडा ले लेते हैं, अल्फा बराबर क्या ले लेते हैं 90 अंश जो दिया हुआ है, 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश अल्फा बीटा, और गामा की वैल्यू है, दिक कोसाइन जो है एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल बराबर क्या होगा कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस लेमडा। इस तरह से जब मान रखोगे तो कॉस 90 अंश, कॉस 60 अंश और कॉस 30 अंश सभी का मान रख दीजिएगा। मान रखने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या है, दिक कोज्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, आपको पी ए गिवेन है, पी बी गिवेन है, और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवेन है, और आपको क्या ज्ञात करना है, पी बी स्लेस ए ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो अपॉन में होता है वो यहाँ अपॉन में रहेगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक चीज़ वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.5 है और पी ए का वैल्यू 0.8 है। जब आप वैल्यू रख दोगे तो 0.5 / 0.8 आएगा, 0.5 / 0.8, तो 5/8 लिख सकते हैं, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा फास्ट कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ें लिखी हुई है, मेंशन किया गया है ना, आप इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कैसे देख सकते हो, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन लॉग x, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे dy बाई dx ज्ञात करना है। तो जब y बराबर दिया है मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो हमको dy बाई dx मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसे दो पोर्शन में मैं इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ, पहले इधर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरह से आया, और क्योंकि हमने log x बराबर क्या ले लिया, t ले लिया, मान लिया, तो ये हो गया क्या, sin t हो गया। अब sin t हो गया तो श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा, श्रृंखला नियम यहाँ लगा दिया। अब श्रृंखला नियम लगाने के बाद, ठीक है, अपने लेफ्ट साइड के पोर्शन पे इधर आ जाओ, इधर, तो इधर का जो है यहाँ sin x, sin t का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos t आएगा, और यहाँ पे dt by dx है तो t का मान रख दोगे तो d by dx log x हो जाएगा, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, इस प्रकार cos t into 1/x आ जाएगा, और ये cos t t का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, log x, तो ये हो जाएगा cos log x upon x आ जाएगा, ये टोटल इसका आंसर है, इस प्रकार ये dy by dx मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और यदि वीडियो अच्छा रहा तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जितने स्टूडेंट तक शेयर करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ता है, आगे भाई आगे हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट हमको देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क कर पाते हैं। ठीक, अदरवाइज आपको ये सब फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड तो करा ही रहे हैं, इसमें कुछ हमको मिलना जुलना तो है नहीं, है ना, लेकिन आपके हेल्प के लिए ये काम कर रहे हैं तो आपको इतना सपोर्ट करना है। अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ये एक बार स्टार्टिंग से मैं पूरा जो है आपको आंसर दिखा देता हूँ, वीडियो जो है पॉज करके आप हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बिल्कुल आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, वीडियो अंत तक देखिए, और जितने भी अपने दोस्त हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर जरूर करिए। ठीक है, इसमें जो वेरीफाइड आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं होगा उसमें, कोशिश यही करेंगे, है ना, फिर भी अगर कोई त्रुटि होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या आंसर में, किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल गए, इसी तरह से सेट ए सेट सी के भी मिलेंगे, और जो है बाकी क्वेश्चन भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन एक साथ जो दूंगा, ठीक है, सभी चीज मिलने वाला है, बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये हम कह दिए और काम भी कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए ये पहला वीडियो जैसे ही आया, ठीक है, थोड़ा बना, हम लोग ने इसको सॉल्व किया, उसके बाद जो है आपको प्रोवाइड करा दिया, तो लगातार काम चल रहा है, वर्क चल रहा है आपके लिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप भी अपने तरफ से आंसर लिखिए, खोजिए, है ना, जहाँ से भी खोज सकते हैं, और इसको भी वेरीफाई करने के लिए हमारे वीडियो को जरूर देख लीजिए एक बार, हाँ आंसर हमने सही लिखा कि नहीं, सही तरीके से लिखा है कि नहीं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, और आगे के भी जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल तैयार रहिए, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, थीके?